Hey guys, welcome back to my channel and welcome to third hostel shifting vlog within a year. ये चल रहा है मेरे hostel का हाथ. Let me show you my new room first. So my room is in a little bit like a hallway kind of a situation where there are just two rooms. These are like big rooms. So my love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run. I'm going to be there. Like that side completely. मैंने रूम साफ करने के लिए बोला था लेकिन I don't think that it has been cleaned completely, like nicely. The bed has been moved. Now it's time for the almira. I just hope that I'm able to remove these. Tintana, this is done. I'm so proud of myself. Now let's move everything else that is left. So it's the next day. Sara Saman yahan pe aa chuka hai and today we'll start arranging everything at its place. इस क्लिप का ऑडियो जा चुका है और इतने दिन हो गए हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो में क्या बकर बकर कर रही हूँ. असुविधा के लिए खेद है. सो फार टेबल लग चुका है, इट्स लुकिंग सो नाइस एंड क्लीन. बेड इज़ हियर, द साइड टेबल इज़ हियर एंड इस बार मैंने एक एक्स्ट्रा चेयर भी रखी है. दिस चेयर इज़ जस्ट टू डंप क्लोथ्स ऑन. और ये साइड इतनी साफ इसलिए क्योंकि सारा कचरा हमने दूसरी तरफ डाल दिया है. साड़ी के पाल सा कभी मैच किया रे. एंड मैं पर्दा लगा चुकी हूँ और ऐसा लगा है कि पर्दा दूसरी तरफ आ ही नहीं रहा है. शाबाश बेटा. नाउ कमिंग ऑन टू माय फेवरेट पार्ट. सो माय अलमीरा हैज गॉट दिस. थोड़ा सा पेंट यहाँ से निकल गया है, सो आई एम थिंकिंग कि इसको कवर कर दिया जाए ताकि ये खराब ना हो जाए. सो आई हैव दिस रोल एंड वॉट अ कोइंसिडेंस, मैं एग्जैक्टली दो रोल लाई हूँ और एग्जैक्टली मेरी अलमीरा के ऊपर एंड इस साइड टेबल पे फिट हो गया. एंड विद दैट दिस इज ऑल्सो डन. मैंने नीचे न्यूज पेपर डाल दिया है. आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द होस्टल वार्डन. आई नीड टू गो एंड रिसीव द फैन फॉर विच वी हैव गिवन द एप्लीकेशन, क्योंकि एक ही फैन है हमारे रूम में. दैट इज I'm just going to receive that. And अभी हमारे पूरे hostel की हालत यही है, हर जगह सामान because everybody is shifting. ये देखो चलते फिरते रास्ते में पूरी गृहस्थी मिल जाएगी. The electrician will be coming any minute to get it done. Now I'm really very much tired. Let's take a break and have our lunch. A few moments later. ऑन है तू पागल है. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. अभी एक्सीडेंट हो जाता हादसा. अंजना से हाय. नहीं नो इसके फैंस बहुत है देखने वाले. Now let me show you how my room is looking. I will show you my side. So that's my table. Behind that, that's the bed. यहाँ पे I will do something, maybe decorate a little bit later on. अभी तो कोई इरादा नहीं है ऐसा कुछ करने का. And that's the window. बहुत ही अच्छा यहाँ पे रात का view लगता है. And on the opposite side, I have kept the almira and everything else. One eternity later. Guys, welcome to day 3 of room shifting. लेकिन ये तीसरा दिन लगातार नहीं है, ये तीसरा दिन आया है डेढ़ महीने बाद. सो माई समर वेकेशन हैज स्टार्टेड एंड उसके बाद एग्जाम सिलसिला मेरी तबियत खराब हो गई एंड ऑल दैट आलसपन की वजह से इतना काम रह गया है. द रूम इज लाइक मेस्ड अप अगेन. आई हैव टू डू एवरीथिंग अगेन. एंड क्योंकि यहाँ मेरा पंखा है मेरे बेड पे, जो कि ऑफकोर्स बेड एनी मोर नहीं रहा है. इट इज़ जस्ट एवरीथिंग इज जस्ट मेस्ड अप. आई हैव टू स्लीप नीचे क्योंकि पंखे की हवा बस यहीं आती है. सो नाओ
आई एम गोइंग टू चेंज दैट क्योंकि अब उतनी गर्मी नहीं है कि डायरेक्ट हवा चाहिए. इट्स आई एम शूटिंग दिस क्लिप राइट नाउ इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. तो अब लाइक बारिश शुरू हो गई रांची में. सो वी कैन नाउ फाइनली शिफ्ट ऑन टू द बेड. सो लेट्स रीस्टार्ट दिस वीडियो अगेन. ओके सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू क्लीन दिस बेड. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू शिफ्ट ये पूरा गद्दा एंड ऑल ऑन द बेड वेयर इट एक्चुअली बिलोंग्स टू. नेक्स्ट मेरे साइड टेबल एंड मेरे अलमीरा के टॉपर भी इतनी धूल की लहर जम चुकी है बिकॉज तूफान आया था एंड द विंडो वॉज ओपन. सो आई हैव टू क्लीन दिस ऑल्सो एंड द लास्ट थिंग इज दिस टेबल. डेढ़ घंटे हो चुके हैं एंड एज यू कैन सी दिस इज ऑल क्लीन्ड अप. दैट मेस विल बी लाइक दैट ओनली बिकॉज वो चेयर है ही कपड़े रखने के लिए. टेबल अभी भी साफ करना बचा बट आई डोंट थिंक दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आज के लिए लेट्स कॉल इट अ डे. गाइज वेलकम टू डे 3 ऑफ द रूम शिफ्टिंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू एम्प अप दिस रूम. सारी सेटिंग वेटिंग हो चुकी है, सब साफ सफाई हो चुकी है. टुडे आई एम थिंकिंग ऑफ थोड़ा सा एस्थेटिक्स ऐड करने का रूम है. लिटरली आई नीड मोटिवेशन टू स्टार्ट स्टडिंग ऑल्सो बट आई एम डिस्टिन कि मैं कुछ एक्स्ट्रा खर्चा ना करूँ. तो मेरे पास जितना सामान है मैं उसी को रीयूज करूँगी. सो लास्ट टाइम लास्ट रूम के अंदर जो मैंने पोस्टर्स प्रिंट करवाए थे आई एम गोइंग टू रीयूज दैट. मैं उसको वैसे ही अरेंज करने वाली. मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी ब्लर्ड आउट बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू गिव लाइक अ रूम टूर. बचना ए हसीनो लो मैं